SST का इससे पहले हमने पार्ट 2 लिया था। थोड़ा सा कर लेते हैं और घर पे सब सीढ़ी का कर। ओके तो ये SST का पार्ट 2 हुआ था, अभी थर्ड चालू करते हैं। इसमें 71 क्वेश्चन 70 तक हमने किया था, 70 में जिसमें हमने लास्ट जो क्वेश्चन था तो ये इस तरह से था कि शिफ्टिंग एग्रीकल्चर इज नॉन मिल्पा इन, यहाँ तक हुआ था। हाँ तो उसका था थर्ड मेक्सिको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन से चालू करते हैं। 71 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज कम्स अंडर पब्लिक सेक्टर, पब्लिक सेक्टर में इनमें से कौन सी कंपनी आती है। निम्नलिखित उद्योग में कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड, सुधा डेयरी, मारुति उद्योग लिमिटेड, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड। कौन सी आती है। तो अच्छा फर्स्ट इज राइट, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड, HAL। इंडस्ट्रीज कम अंडर पब्लिक सेक्टर, मतलब बाकी प्राइवेट में आ रही है, प्राइवेट लिमिटेड पब्लिक सेक्टर में आ रही, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ग्राम सभा इज करेक्ट, ग्राम सभा के ताल्लुक से इसमें से क्या सही है। इट इज द मीटिंग प्लेस ऑफ द सरपंच ऑफ ऑल विलेजेस इन अ डिस्ट्रिक्ट, द सेक्रेटरी ऑफ द ग्राम सभा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉलिंग द मीटिंग ऑफ द ग्राम सभा एंड द ग्राम पंचायत एंड कीप्स अ रिकॉर्ड ऑफ प्रोसीडिंग द डेवलपमेंटल प्लान्स ऑफ ऑल द ग्राम पंचायत वर रिव्यूड इन द ग्राम सभा, द ग्राम सभा रेगुलेट्स द मनी डिस्ट्रीब्यूशन अमॉन्ग ऑल ग्राम पंचायत। सेकेंड सेकेंड राइट आंसर, सेक्रेटरी ऑफ द ग्राम सभा रिस्पॉन्सिबल होता है कॉलिंग मीटिंग ऑफ द ग्राम सभा, ग्राम सभा का सचिव ग्राम सभा और ग्राम पंचायत की बैठक बुलाने तथा कार्यवाही का आलेख रखने के लिए उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट है कंसिडर द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट्स ए एंड बी ऑन पीपल्स पार्टिसिपेशन इन डेमोक्रेसी एंड चूज द राइट और करेक्ट आंसर। पहला है कि ऑर्गेनाइजिंग सोशल मूवमेंट इज अ वे टू चैलेंज द गवर्नमेंट एंड इट्स फंक्शन इन डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी अलाउ करता है पीपल को पार्टिसिपेट करना बट ऑल सेक्शन ऑफ पीपल आर नॉट एबल टू डू सो। लोकतंत्र में सामाजिक आंदोलन के संगठित करना, सरकार उसके कार्यों को चुनौती देने का तरीका, लोकतंत्र सभी लोगों की भागीदारी होने की अनुमति देता है लेकिन समाज के सभी वर्गों के लिए ऐसा करने में समर्थ नहीं होता। सर ए सही है, बी गलत है। तो उसका सेकंड बोथ एंड बी आर ट्रू, दोनों सही है कि ऑर्गेनाइजिंग सोशल मूवमेंट इज अ वे टू चैलेंज द गवर्नमेंट एंड इट्स फंक्शनिंग इन डेमोक्रेसी, तंत्र में सामाजिक आंदोलन को संगठित करना, सरकार और उसके कार्यों को चुनौती देने का तरीका, ये सही है। लोकतंत्र में सामाजिक आंदोलन मतलब ऑर्गेनाइजिंग सोशल मूवमेंट, चैलेंज करना गवर्नमेंट और उसके फंक्शनिंग इन डेमोक्रेसी, तो ये सही हो गया। और डेमोक्रेसी अलाउ करता है पीपल को पार्टिसिपेट कर बट ऑल सेक्शन ऑफ पीपल आर नॉट एबल टू डू सो, मतलब क्या है। लोकतंत्र सभी लोगों को भागीदारी होने की अनुमति देता है लेकिन समाज के सभी वर्गों को ऐसा करने में समर्थ नहीं होता। मतलब सब लोग उसको नहीं करते। हाँ वर्ग एक अलग चीज हो जा रही है, समाज के सभी वर्ग और सभी लोग लोगों की भागीदारी होने की अनुमति, यानी कोई एक वर्ग का, यानी कि कास्ट होते हैं अलग अलग कैटेगरीज, तो एक परिस का नहीं है, सभी लोगों का है, ये बता रहे हैं। अलाउस ऑल पीपल टू पार्टिसिपेट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइबेटन नेशनल एपिक,
तिब्बत का राष्ट्रीय ग्रंथ? बुद्धा सागा, केसर सागा, सिद्धा सागा, निरवा सागा। तिब्बत सेकंड, केसर सागा। केसर सागा क्या है? वन ऑफ द टाइबेटियन नेशनल एपिक। लगता है तो भी तिब्बत, छोटा लगता तिब्बत, छोटा तिब्बत ऐसा आता है, लगता छोटा। तो यहाँ डायरेक्ट है कि तिब्बत केसर का सागा राष्ट्रीय ग्रंथ केसर सागा। नेक्स्ट है, कंसिडर द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट्स अबाउट द फंक्शंस परफॉर्म बाय पटवारी एंड चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द फॉलोइंग। पटवारी लेखपाल द्वारा किए गए कार्यों के विषय में और भी दो कथन दिए गए, उन पर क्या करना है? विचार करना है और निम्नलिखित में से सही उत्तर का चयन करना है। पटवारी मेंटेन करता है, अपडेट करता है लैंड रिकॉर्ड ऑफ विलेज और अ ग्रुप ऑफ विलेजेस, और पटवारी एक रिस्पॉन्सिबल है प्रोवाइड करने इन्फॉर्मेशन टू द गवर्नमेंट अबाउट क्रॉप्स ग्रोन इन द एरिया अंडर हर और हिज ज्यूरिसडिक्शन। तो तो सेकेंड, बोथ ए एंड बी आर ट्रू, सही जवाब है, दोनों भी सही है। नेक्स्ट है, 76, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के बारे में क्या गलत है? इन अ डेमोक्रेसी द कंट्री सिटीजन आर अलाउड टू इलेक्ट हुम एवर दे वॉन्ट। अपनी पसंद का नेता चुनने की छूट होती है नागरिकों को, जिसे वो चाहे। इन अ डेमोक्रेसी सिटीजन एंजॉय सर्टन फ्रीडम। लोकतंत्र में नागरिकों को कुछ स्वतंत्रताएं प्राप्त होती है। इन अ डेमोक्रेसी अ रूलर हैज एब्सोल्यूट पावर टू रूल द कंट्री। लोकतंत्र में एक शासक के पास देश पर शासन करने की संपूर्ण ताकत होती है। और इन अ डेमोक्रेसी पीपल कैन रेज क्वेश्चन अबाउट द डिसीजन। लोकतंत्र में लोग लिए गए निर्णयों पर प्रश्न उठा सकते हैं। तो ये गलत जो है वो बता रहे। तो कौन सा है गलत? फर्स्ट रहेगा सर, फोर्थ भी रहेगा उसकी, बढ़िया से रहेगा सर। उसका है थर्ड, जिसमें क्योंकि लोकतंत्र क्या होता है, लोगों के जरिए हुकूमत। तो यहाँ पर क्या रूलर कर रहा है, शासक के पास देश का शासन। तो शासक रूलर नहीं है डेमोक्रेसी में, वहां पर हुकुमशाही नहीं चलेंगी, लोकशाही रहेगी। तो लोकशाही में लोकतंत्र जो रहेगा, तो लोगों को निर्णय रहेगा, लोक स्वतंत्रताएं भी रहेंगी और नागरिकों को पसंद का नेता चुनने का भी हक रहेगा। नेक्स्ट है कैंपेन्स जो लेट करता है न्यू लॉज ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन। 2006 में एक लॉ जो फ्रेम हुआ था प्रोटेक्ट करने वुमेन में, किस लिए था वो? डोमेस्टिक वायलेंस, सेक्सुअल हरासमेंट, चाइल्ड अब्यूज, इन इक्वल वेजेस, किस लिए था 2006 का कानून? सेकेंड उसका है फर्स्ट, डोमेस्टिक वायलेंस, घरेलू हिंसा के लिए न्यू लॉज फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन। तो वुमेन के लिए हमको लगता है कि वुमेन के लिए घरेलू घरेलू हिंसा नहीं हिंसा रहेगा, ही लेकिन जैसे डायरेक्ट नहीं आता, तो डोमेस्टिक वायलेंस इसको याद रखना, घरेलू हिंसा। लॉ वॉज फ्रेम टू प्रोटेक्ट वुमेन 2006। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मीडिया इज इनकरेक्ट। गलत जो है मीडिया के बारे में। मनी इज अर्न थ्रू एडवर्टाइजमेंट। द टेक्नोलॉजी दैट मास मीडिया यूजेस कीप ऑन चेंजिंग। एन इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ मास मीडिया इज टू कम्युनिकेट इन्फॉर्मेशन ऑफ द पीपल। देयर इज रेगुलर इंटरफेरेंस ऑन द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट इन द फंक्शनिंग ऑफ मीडिया। तो क्या हो रहा है उसका है फोर्थ, के एडवर्टाइजमेंट के जरिए मनी अर्न की जा सकती है। तो सही है, ऐसा लगता है कि गलत हो सकता है। तो एडवर्टाइज हो गया, न्यूज अलग है और एडवर्टाइजमेंट में मनी हासिल करने का आगे। टेक्नोलॉजी में मास मीडिया जो कीप होता है, चेंज चेंज होता रहता है। इंपॉर्टेंट फंक्शन मास मीडिया का कम्युनिकेट करना इंफॉर्मेशन टू पीपल, लोगों तक इंफॉर्मेशन मुहैया करना ये है। लेकिन देर इज रेगुलर इंटरफेरेंस, संचार माध्यम की कार्य प्रणाली में नियमित सरकारी हस्तक्षेप। गवर्नमेंट का पार्ट इसमें नहीं रहता, तो वो क्या लिखते हैं कि वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल, मतलब एड अपनी जिम्मेदारी पर जांच पड़ताल करे। द कॉस्ट टू एडवर्टाइजमेंट ऑन अ न्यूज चैनल डिपेंड्स ऑन, एक जो कीमत होती है एडवर्टाइज करने की, किस पर डिपेंड होती है? चैनल की पॉपुलरिटी पे या डिमांड ऑफ द व्यूअर, बिग बिजनेस हाउस या कॉरपोरेट सेक्टर पर? लॉजिकल क्वेश्चन है। क्या बोल रहा सर वो न्यूज़? एक एडवर्टाइजमेंट दे रहे हैं आपको न्यूज चैनल पर, किस पर हाँ रहता है? चैनल की पॉपुलरिटी पर या व्यूअर की डिमांड पर? वीवर की डिमांड बिजनेस
हाउसेस की या फिर कॉर्पोरेट सेक्टर? सेकेंड उसका है थर्ड फर्स्ट। फर्स्ट मतलब क्या हो गया कि पॉपुलरिटी, मतलब जितना चैनल फेमस है तो उस हिसाब से उसकी कॉस्ट रहेंगी। जैसे मिसाल के तौर पे इसको लगा लिया जाए कि कोई एक्टर है, कोई फेमस एक्टर है, जितना पॉपुलर है उतने पैसे ज्यादा लेगा, जितना सस्ता एक्टर है तो वो चीज़ डिमांड ऑफ व्यूअर। व्यूअर नहीं बोलेंगे कि इतना रेट लो इनसे, व्यूअर को क्या करना है रेट से। बिग बिजनेस हाउस, बड़े व्यापारी घरानों पर, तो इससे भी कुछ लेना देना नहीं है। एडवर्टाइजमेंट तो पर्सनल चैनल के हिसाब से चलेगा, और कॉर्पोरेट सेक्टर भी नहीं करेगा उसको, तो पॉपुलरिटी ऑफ चैनल कंसिडर करना है। दो स्टेटमेंट अबाउट पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, PIL, एंड चूज करना है करेक्ट आंसर। तो पहला है कि इट इज अ मैकेनिज्म टू सीक नेसेसरी इंफॉर्मेशन अबाउट द फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट। इट इज अ मैकेनिज्म दैट अलाउस एनी इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन टू फाइल पिटीशन टू सिक्योर जस्टिस इन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ऑन बिहाफ ऑफ दोज हुज राइट्स आर वायलेटेड। तो पब्लिक दोनों इंटरेस्ट सही। लिटिगेशन, जनहित याचिका जिसे कहेंगे, ये एक ऐसी व्यवस्था है जिसके माध्यम से सरकार के क्रियाकलापों के विषय में आवश्यक जानकारी प्राप्त करते हैं। व्यवस्था है जिसमें व्यक्ति या संस्था को जिनके अधिकारों से उल्लंघन हुआ, न्याय पाने के लिए। तो दोनों सही। उसका है थर्ड, ए फॉल्स है लेकिन बी ट्रू है। पहला फॉल्स है, ये मैकेनिज्म टू सीक नेसेसरी इन्फॉर्मेशन, ये वाला गलत है। व्यवस्था है जिसके माध्यम से सरकार के क्रियाकलापों के विषय में आवश्यक जानकारी प्राप्त करती है, गलत है। दूसरा सही है, व्यवस्था जिसके माध्यम से व्यक्ति या संस्था को जिनके अधिकारों का उल्लंघन हुआ उन्हें न्याय पाने के लिए, मतलब एक करेक्ट डेफिनेशन भी आप कंसिडर कर सकते हैं। ये नहीं है PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। तो देखिए उसको याद ऐसे रख सकते हैं आपके, मैकेनिज्म गवर्नमेंट के लिए नहीं है, मैकेनिज्म इंडिविजुअल क्योंकि यहाँ पब्लिक आ गया, और ऑर्गेनाइजेशन इससे याद रख सकता है कि जस्टिस हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में राइट जिसके वायलेटेड हुए। कंसीडर द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट्स ए एंड बी अबाउट द क्वेश्चन आर सेशन ऑफ द पार्लियामेंट, चूज द करेक्ट आंसर। द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट सीक्स इंफॉर्मेशन अबाउट द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट। इट इज अ मैकेनिज्म थ्रू विच द एग्जीक्यूटिव कंट्रोल्स द लेजिस्लेचर। तो सही है सर। उसका फर्स्ट ए ट्रू है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सीक करता है इंफॉर्मेशन, सांसद सरकार के कामकाज के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, लेकिन मैकेनिज्म नहीं है ये एग्जीक्यूटिव कंट्रोल लेजिस्लेचर। क्वेश्चन आर सेशन, सीक इंफॉर्मेशन अबाउट वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट, कामकाज के बारे में जानकारी प्राप्त करना, प्रश्नकाल सत्र, नियंत्रण कंट्रोल नहीं रहेगा इसमें, जानकारी आएगा। क्वेश्चन से याद रख सकते हैं। कंसीडर करना है फॉलोइंग टू स्टेटमेंट्स ए और बी, इसमें क्या है, जुडिशियल रिव्यू और चूज करना है करेक्ट आंसर। पहला है कि जुडिशरी कैन स्ट्राइक डाउन पर्टिकुलर लॉ पास्ड बाय द पार्लियामेंट इफ देर इज अ वायलेशन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और दूसरा है कि अ बिल कैन नॉट बिकम अ लॉ अनलेस इट इज पास बाय द जुडिशरी। कि संसद द्वारा पारित किया गया कोई कानून संविधान के आधारभूत ढांचे का उल्लंघन अगर करता है तो न्यायपालिका को ऐसे कानून को रद्द कर सकती है, सही। और कोई विधेयक न्यायपालिका के द्वारा पास किए बिना कानून नहीं बना सकता। दोनों सही है। 82 का फर्स्ट, फर्स्ट में क्या है, एस ट्रू एंड बी फॉल्स। बी फॉल्स, बिल कैन नॉट बिकम अ लॉ अनलेस इट्स पास बाय जुडिशरी। तो ये कभी कभार क्या आता है माइंड में आता है कि जुडिशरी लास्ट फाइनल स्टेज है उस वजह से, लेकिन अनलेस उसमें ये नहीं आएगा कि ये पास नहीं करेगा, पार्लियामेंट में पास होगा वो फाइनल डिसीजन में उसमें आएगा। यहाँ पर कंफ्यूज ये किया गया कि पास करेगा जुडिशरी, तो इस वजह से ये गलत है, और ये स्ट्राइक सही। जुडिशरी स्ट्राइक डाउन कर सकते हैं पर्टिकुलर लॉ क्योंकि उसका फाइनल डिसीजन है, तो उसका काम क्या है, स्ट्राइक डाउन कैन फाइनल, तो फाइनलाइजेशन प्रोसेस है जिसमें वो स्ट्राइक डाउन कर सकते हैं पर्टिकुलर लॉस पास बाय द पार्लियामेंट। तो यहाँ जब पार्लियामेंट से पास हो रहा है तो इसके जरिए पास नहीं होगा। इफ देर इज वायलेशन ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर, कब, जब उसमें बेसिक स्ट्रक्चर में ये है। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट इंडियन सेकुलर स्टेट।
भारतीय संविधान के अनुसार भारतीय धर्म निरपेक्ष राज्य के बारे में इसमें से कौन सा गलत है? इंडियन स्टेट इज नॉट रूल्ड बाय एनी स्पेसिफिक रिलीजियस ग्रुप, द स्टेट डज नॉट इन्फोर्स एनी पर्टिकुलर रिलीजन, नॉर टेक्स अवे रिलीजियस फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल्स, द स्टेट अलाउस गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन टू डिस्प्ले एंड प्रमोट वैल्यूज स्पेसिफिक टू अ पर्टिकुलर रिलीजन, द स्टेट इज नॉट स्ट्रिक्टली सेपरेट फ्रॉम रिलीजन बट इट डज मेंटेन प्रिंसिपल डिस्टेंस फ्रॉम रिलीजन। थर्ड मतलब उसका है थर्ड सही जवाब, जो गलत है। स्टेट अलाउ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन टू डिस्प्ले एंड प्रमोट वैल्यूज स्पेसिफिक टू अ पर्टिकुलर रिलीजन। राज्य सरकारी संस्थानों को धर्म विषय के विशिष्ट मूल्यों को प्रदर्शित और प्रोन्नत करने की अनुमति, तो ये नहीं करता, तो ये गलत हो गया। बाकी ये सारा सेक्युलर स्टेट, इसके बारे में बात की जा रही थी। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से इंडियन सेक्युलर स्टेट, तो सेक्युलर स्टेट में ये नहीं बैठ रहा, धर्म विशेष के विशेष मूल्यों को प्रदर्शित और प्रोन्नत करने की अनुमति। तो ये गवर्नमेंट इसमें रिलीजियस में, रिलीजियस में पर्टिकुलर में चेंजेस नहीं कर पा रही। और बाकी क्या है कि भारतीय राज्य किसी एक विशेष धार्मिक समूह द्वारा शासित नहीं, हाँ तो एक एक ही ग्रुप से शासित नहीं होती गवर्नमेंट। राज्य किसी धर्म विशेष को ना तो थोपेगा और ना ही लोगों की धार्मिक स्वतंत्रता को छीनेगा। कोई अगर वहां पर आता है राज्य धर्म स्टेट, तो वो ये भी नहीं बोल सकता कि यही धर्म को अपना, या फिर उसका धर्म है तो उसको भी छोड़ना पड़े, ये भी नहीं है। और स्टेट इज नॉट स्ट्रिक्टली सेपरेट, सेपरेट नहीं है स्टेट रिलीजन से, बट इट मेंटेन प्रिंसिपल डिस्टेंस फ्रॉम रिलीजन। राज्य धर्म से एकदम अलग नहीं है बिल्कुल कि धर्म छोड़ देना है, लेकिन वो धर्म से एक निश्चित दूरी बनाती है कि जब आपको फैसला करना है तो फिर वहां पर सेकुलर वे में आपको फैसला करना है। नेक्स्ट है, इंडियन स्टेट हैज, भारतीय राज्य की सरकार किस प्रकार की है? कम्युनिस्ट फ्रॉम गवर्नमेंट, कैपिटलाइज फ्रॉम गवर्नमेंट, प्रेसिडेंशियल फ्रॉम गवर्नमेंट, डेमोक्रेटिक फ्रॉम गवर्नमेंट। बहुत तो फोर सही जवाब है डेमोक्रेसी, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, लोकतांत्रिक सरकार है इंडियन स्टेट। वो अमंग द फॉलोइंग फंडेड सत्य शोधक समाज टू प्रोपोगेट कास्ट इक्वेलिटी, जाति सामान्यता को प्रचारित करने के लिए निम्नलिखित से किसने सत्य शोधक समाज की स्थापना की? घासीदास, नारायण गुरु, हरिदास, ज्योतिराव फुले। फोर्थ उसका है फोर्थ, ज्योतिराव फुले। वो अमंग द फॉलोइंग वॉज हैंग टू डेथ फॉर अटैकिंग हिज ऑफिसर्स इन बैरकपुर ऑन 29 मार्च 1857। अफसरों पर हमला करने के आरोप में किसको फांसी पर लटका दिया गया था? बैरकपुर भगत सिंह साथियों को बोल रहा है, अटैकिंग हिज ऑफिसर। पहला है कि भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, मंगल पांडे। तो उसका है फोर्थ, मंगल पांडे। फॉलोइंग वॉज हैंग टू डेथ फॉर अटैकिंग हिज ऑफिसर बैरकपुर। उसमें बहुत सारे ऐसे भी पूछ सकता है, वो कारतूस जो होते थे, कारतूस में एनिमल की चर्बी वगैरह इस्तेमाल बिल्कुल करते थे, पिक की उसकी भी या जानवरों की, तो पिक की चर्बी का भी एक वो मुद्दा था उसके बीच में। और उसके बाद में हैंग टू डेथ अटैकिंग हिज ऑफिसर, ये भी चीज याद रखना है। दो चीज, भगत सिंह का वो अलग था कि वो लोहे का जो चीजें मतलब संदूक के उससे कुछ रिलेटेड में आते हैं भगत सिंह, तो ये याद रख लीजिए। मंगल पांडे, अटैकिंग हिज ऑफिसर्स इन बैरकपुर, बैरकपुर से भी 29 मार्च 1857। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ पैरामॉन्टेसी इज करेक्ट? अंग्रेजों की सर्वोच्चता नीति के संबंध में इसमें से कौन से कथनों का सही है? इट डिक्लेयर्ड दैट इफ द इंडियन रूलर डाइड विदाउट अ मेल हायर, हिज किंगडम वुड बी कॉन्फिस्केटेड। मतलब क्या है कि इसने घोषित किया कि अगर भारतीय शासक की मृत्यु बिना पुरुष वारिस, तो यहाँ पर कौन सा है, हेयर मतलब वारिस वाला, तो उसके साम्राज्य का अधिग्रहण कर लिया जाए।
अगर उसको कोई वारिस नहीं, नॉमिनी जो लगते हैं नॉमिनीज अगर उसके नहीं है तो वो क्या कर ले जाएगा, अधिग्रहण। दूसरा कि इट क्लेम दैट द अथॉरिटी ऑफ द कंपनी वॉज सुप्रीम, हेंस इट्स पावर वॉज ग्रेटर देन दैट ऑफ इंडियन स्टेट्स। कि कंपनी का दावा था कि उसकी सत्ता सर्वोच्च है, इसलिए वो भारतीय राज्यों से ऊपर है। इसके बारे में बात कर रहे हैं कि ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ पैरामाउंटेसी उसके ताल्लुक से। तीसरा है कि इट एम्फेसाइज द प्रैक्टिकल बेनिफिट ऑफ सिस्टम यूरोपियन लर्निंग एज अपोज टू ओरिएंटल लर्निंग। इनमें से इसने इस बात पर बल दिया कि प्राची जानकारी के विपरीत उल्टा यूरोपीय जानकारी देने का तरीका व्यावहारिक रूप से लाभकारी है। और इट डिक्लेयर्ड दैट नो अदर ट्रेडिंग ग्रुप इन इंग्लैंड कुड कम्पीट विथ ईस्ट इंडिया कंपनी। तो इसने घोषित किया कि इंग्लैंड में कोई अन्य व्यापार करने वाला समूह ईस्ट इंडिया कंपनी से स्पर्धा नहीं कर सकेगा। तो उसका है सेकंड, सेकंड क्या था, इट क्लेम द अथॉरिटी, याद रखिए ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ पैरामाउंटेसी ने क्लेम किया, ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ पैरामाउंटेसी क्लेम दैट द अथॉरिटी ऑफ द कंपनी वॉज सुप्रीम। कंपनी का दावा था कि उसकी सत्ता सर्वोच्च है, हेंस इसलिए इट्स पावर वॉज ग्रेटर देन दैट ऑफ द इंडियन स्टेट, कि इसलिए वो भारतीय राज्यों से ऊपर, ये उसका दावा था। अथॉरिटी ऑफ कंपनी वॉज सुप्रीम। पैरा मॉन्टेसी, माउंट जैसा आप याद रख सकते हैं, हिल वगैरह जैसे नाम आते हैं, तो ऊपर सुप्रीम याद रख लीजिए, पैरा मॉन्टेसी। तो उस हिसाब से सुप्रीम है तो ग्रेटर है, ग्रेटर सुप्रीम इससे आप याद रख आ सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ प्लैनेट्स हैज रिंग अराउंड इट, ग्रहों के निम्नलिखित समूहों में से किस समूह के चारों ओर छल्ले हैं, सैटर्न वेनस मार्स, सैटर्न जुपिटर यूरेनस, सैटर्न नेपच्यून नेपच्यून या मार्स, ये सैटर्न वेनस नेपच्यून। फर्स्ट उसका है सेकंड, जुपिटर सैटर्न जुपिटर यूरेनस। ग्रुप प्लैनेट हैज रिंग अराउंड इट, रिंग तो देखिए उसको अच्छे से याद रखना है, सैटर्न। अभी देखिए मार्स जो है, एक चीज एक और याद रख सकते हैं आप, देखिए सैटर्न में यू है, जुपिटर में भी यू है, यूरेनस में भी यू है, मार्स में यू नहीं आ रहा है। और हालांकि नेपच्यून में आ रहा है, लेकिन उसकी सीक्वेंस एक दिमाग में रखने के लिए, और वेनस में भी है, ये दो भी है, लेकिन उसकी ग्रुपिंग में सैटर्न जुपिटर और यूरेनस। शनि बृहस्पति है यूरेनस, ऐसी कोई हिंट निकाल सकते हैं आप, इसमें तो डबल यू है। तो उसका फर्स्ट फर्स्ट लेटर ले सकते हैं क्या? हाँ, और शॉर्टकट में भी SJU या SUJ ले लीजिए, सज, सन मतलब जो है तो गोल रहता है, हाँ सन, तो सज SUJ, हाँ सैटर्न यूरेनस जुपिटर। लेकिन क्या सोचा? यहाँ सन में कंफ्यूज नहीं होना है, नेपच्यून दिमाग में आ जाए तो उल्टा, सज, सन का डिफरेंट थोड़ा। नेक्स्ट है, व्हाई इज द अर्थ डिस्क्राइब्ड एज अ ग्योट, वो आपके रूप में वर्णन किया जाता है पृथ्वी को। करेक्ट आंसर इसका इसमें से देखना है, जियो जियोइड मतलब जो है प्रोनाउंसिएशन उसको देख लेंगे। अर्थ इज स्लाइटली फ्लैटेंड है पोल फर्स्ट से, है सर उसका, फर्स्ट नीदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड। है सर उसका। फर्स्ट जॉय से याद रखना है इसको, जियोइड, जियो जियोइड ऐसे डायरेक्ट। मतलब ऊपरी शक्ल में आता है, ऊपरी चपटा है शक्ल, तो समझो। तो उसका फर्स्ट है बराबर। अर्थ इज स्लाइटली फ्लैटेंड एट द पोल्स, पृथ्वी ध्रुव के पास थोड़ी चपटी है। ऐसा डायरेक्टली अगर फ्लैटन दिखता है तो जहन में नहीं आता है वो,
नीदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड, सरफेस आर तो कवर्ड। ऐसी है ना, नमी में एकदम हाँ चपटी है तो भाई। ऊपर से चपटी है। तो जियोड मतलब जमीन की ऊपरी शक्ल के बारे में बात की जाती है। जमीन की ऊपरी शक्ल, स्लाइटली फ्लैटेन एट पोल्स। फ्रॉम द अर्थ, जमीन से, ओनली वन साइड ऑफ द मून इज विजिबल बिकॉज, पृथ्वी से चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है। क्योंकि क्योंकि इट टेक्स मोर टाइम इन मूविंग अराउंड द अर्थ देन द टाइम टू कंप्लीट वन स्पिन। टेक्स एग्जैक्टली द सेम टाइम इन मूविंग अराउंड द अर्थ एज द टाइम टू कंप्लीट वन स्पिन। ओनली मूव्स अराउंड द अर्थ बट डज नॉट स्पिन, डज नॉट मूव अराउंड द अर्थ बट ओनली स्पिन। पृथ्वी से चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखता है, चंद्रमा अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने से फोर्थ सर, फोर्थ अधिक, पृथ्वी का चक्कर पूरा करने में लेता है। अभी क्या तो आप चक्कर की लग उसका सेकेंड है, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने में जितना जितना समय लेता है, उतना ही समय अपने अक्ष पर, मतलब क्या है कि वो खुद भी घूम रहा मदार है, पर खुद के मदार, हाँ खुद भी घूम रहा है और अपने भी मदार पर जो जमीन के अतराफ में भी घूम रहा है, दोनों। तो दोनों चीज आ रही है उसमें, और इसमें क्या था उल्टा, अधिक, इसमें था ज्यादा। तो दोनों सेम रहे, जितना अपने समय इक्वल वाला रहे। चंद्रमा केवल पृथ्वी का चक्कर लगाता है परंतु अपने अक्ष पर, अपने महवर पर नहीं चक्कर लगा रहा, तो ये गलत है। और पृथ्वी का चक्कर नहीं लगाता, केवल अपने अक्ष पर, तो ये भी गलत है। तो ये इसका थर्ड पार्ट हो गया। नेक्स्ट टाइम हम जो है तो इसका नेक्स्ट जो है तो सितंबर 2016 वाला लेंगे क्वेश्चन पेपर। तो कल जल्दी स्टार्ट कर लेंगे क्योंकि बारिश भी पड़ रही है।